टेकचंद शर्मा जी, बीजेपी, फूल कमल का लग रहा है, ट्रिप्पा से खिल जाएगा। लग नहीं रहा, खिल जाएगा। लगना तो लगवात रहता मैडम, खिलना लगवात रहा। देखो जी, अगर टेकचंद शर्मा जी पहले भी हमने बढ़ते हुए हैं, उन्होंने काम में काफी काम कराया है, जैसे जालपुर के अंदर आईटीआई उन्होंने बनवाई है। मजबूत लग रहे हैं, बढ़िया अच्छे लग रहे हैं, बहुत मजबूत है। टेकचंद शर्मा जी सीट निकाल लेंगे। टेकचंद शर्मा जी, बीजेपी, फूल कमल का लग रहा है, ट्रिप्पा से खिल जाएगा। लग नहीं रहा, खिल जाएगा। लगना तो लगवात रहता मैडम, खिलना लगवात रहा। दस ये तो टाइम रहे बताएगा जी, लेकिन जीत कमल के फूल की होगी मैडम। अच्छा एक बात और बता दीजिए जी, बीजेपी के नाम से, मोदी के नाम से या टेकचंद शर्मा के नाम से? नहीं, मोदी के नाम से। मोदी के नाम, हाँ, खुल्लम खुल्ला फूल। ये कह देगा कैंडिडेट कोई भी खड़ा होता है कोई मोदी के नाम। गांवों का और विधानसभा के विकास के लिए ये वोट दी जा रही है। अच्छा, लेकिन अभी हम पटना में घूम रहे हैं तो हमें तो कोई विकास दिखा रहे हम दिखाएंगे जी। कितने एक्सप्रेस वे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे निकला है, जेवर कनेक्टिविटी अब काम चालू है इस पे भी जी, KMP भी है और इसके साथ कॉरिडोर के साथ रेलवे लाइन भी पास हो चुकी है। अच्छा, टेकचंद शर्मा का विधायक बन जाते हैं, सबसे पहला क्या मुद्दा है यहाँ का? देखो जी, अगर टेकचंद शर्मा जी पहले भी हमने बढ़ते हुए हैं, उन्होंने गांव में काफ़ी काम कराया है, जैसे जालपुर के अंदर आईटीआई उन्होंने बनवाई है और जी स्किल्स डेवलपमेंट भी यूनिवर्सिटी है दुदोला में, काफ़ी काम कराए हैं और पंचायतों के भी काफ़ी काम उन्होंने कराए हैं। जनता के बीच में रहते हैं, रेगुलर कनेक्टिविटी उनकी जनता के साथ है। वोट देख रही थी मैं, टेकचंद शर्मा जी का वोट लगा यहाँ पे, इतने मजबूत लग रहे हैं, बढ़िया अच्छे लग रहे हैं, बहुत मजबूत है। टेकचंद शर्मा जी, टेकचंद शर्मा सीट निकाल लेंगे। हाँ, अच्छा टेकचंद शर्मा जी ने कभी जनता के बीच में आगे कुछ काम हम भी करवाए? बहुत कुछ काम किए हैं, पिछली योजना में रहे थे। हाँ, पहले भी रहे थे विधायक। हाँ, बहुत काम कराए इन्होंने, अच्छे आदमी। तो इस बार लग रहा है पिछला से? देखो उम्मीद तो पूरी है। मुझे ये बताइए कि किस किस में टक्कर है पिछला में? रघुवीर टेकचंद, बस दोनों में टक्कर है जी। अच्छा, दोनों में तो भारी कौन पड़ता नजर आ रहा है? टेकचंद पड़ेगा जी। टेकचंद शर्मा, अच्छा। अब क्या हरियाणा में फिर से उम्मीद है बीजेपी की सरकार बनेगी। ये 3 दिन से राजनीति में बिहार घूमता है। हां, सीएम किसे बनवा रहे हैं? सीएम तो नायब सैनी है ही रहेगा, नायब सैनी बनवा रहे जो हाई कमांड ने ऑर्डर कर रखे हैं, पास कर रखा पहले से ही, बोल रखा है सीएम हमारा यही रहेगा, तो वही रहेगा, इसमें कोई पार्टी थोड़ी बदलेंगे। अच्छा, बीजेपी कितनी मजबूत पार्टी लगती है आपको और बीजेपी के काम कैसे लगते हैं आपको? आजकल मोदी पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर चल रहा है हमारा देश, ये समझ लो, सारे देश लोहा मानते हैं हमारे देश को आजकल। बीजेपी के जो ये योजनाएं नीतियां निकलती हैं कितनी मतलब प्रभावित लगती है या लगता है कि? देखो देश में पेंशन भी मिल रही है, गरीब लोग आदमियों को नाज भी मिल रहा है, बुजुर्गों को पेंशन भी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल, बड़ा कुछ अस्पताल वगैरह कोई सुविधा है पृथ्वी में? हाँ, क्यों नहीं है? है ये मोहना में वो खुली हुई है, कौन सी है ये आईटीआई खुली हुई है। अच्छा, लड़कियों के लिए ये। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन जी। ये कौन सा क्षेत्र लगता है? ये पिथला क्षेत्र है जी। अच्छा, और ये मार्केट कौन सी है? ये अटाली गड्डो जी। अटाली गढ़ खेरे में या जी दीपक डागर का ज़्यादा जी। दीपक डागर का? हाँ जी, क्योंकि उसने बनने पहले काम करवाए जी, लाइट लगवाई है और गरीबों की लड़की इनकी शादी में दान भी देता है। अच्छा। और जी उसने मंदिरों में भी पैसे लगाए हैं जी, उसने बहुत विकास किया बनने से पहले जी। कितने वोट होंगे अटाली के लगभग, बात करूँ? कम से कम 5,000-4,500 वोट हैं जी। चलो ये तो आपका अपना मत है दीपक डागर, अगर मैं मानूं कि लहर किसकी चल रही है और टक्कर किस किस में, तो किसकी बताओगे? टक्कर जो टेकचंद की है जी, जाते भी है टेकचंद शर्मा की है जी। आपस में ही है? हाँ जी, पहले पे टेकचंद की है। हाँ जी, सबसे पहले टेकचंद जी, बाद में दीपक डागर। अच्छा। हाँ जी, रघुवीरा तीसरे नंबर पे जी। तीसरे नंबर पे? हाँ जी बिल्कुल। वोट डालते हो? डालते हैं बेटा वोट। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 67 साल है। अच्छा।
67 साल से इस हरियाणा में जो करने वाले हैं वो भी बराबर है, जो ना करने वाले हैं वो भी बराबर, लेकिन देश का विकास होना चाहिए। हरियाणा के अंदर क्या करवाया खट्टर साहब ने? खट्टर तो हटा दिया। इस टाइम जो है देखो ये रोड है, इस रोड के ऊपर डेली एक्सीडेंट होते हैं, दो दो फुट के गड्ढे हो रहे हैं, हैं? ये सरकार क्या कर रही है? अच्छा मुझे बताओ आप कौन बन रहा है, यहाँ से किसकी हवा चल रही है? यहाँ से जो हवा जाएगी कांग्रेस की, अगर ऐसा ही रहा तो। अच्छा ऐसा ही रहा तो कांग्रेस चली जाएगी, पार जाएगी कांग्रेस। और कांग्रेस आएगी तो काम कराएगी, कांग्रेस आएगी तो काम कराएगी, 100% कांग्रेस आएगी आपके। अच्छा कौन कैंडिडेट है कांग्रेस की? कांग्रेस का कैंडिडेट है यहाँ से वो रघुवीर तेवतिया। ठीक है बेटा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।